चलो आज पापा को भी केक वाले मोदक खिलाते हैं। यस, मोदक केक कभी आपने देखा है या सुना है? अगर देखा हो या सुना होगा तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये मैं ओरियो बिस्किट से बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओरियो बिस्किट ले लिए, वनीला वाली, चॉकलेट वाले भी ले सकते हो आप। तो बिस्किट और क्रीम को अलग कर लेंगे फटाफट से। तो सारे मैंने क्रीम और बिस्किट्स को अलग कर लिए, क्रीम को अलग रख लिया और बिस्किट को अलग। तो बिस्किट को ग्राइंड करना है हमें, जो हमारे अलग हो गए हैं तो इसको साइड में रख देंगे, क्रीम को और बिस्किट को हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बिस्किट को ग्राइंड कर लिया मैंने और एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेंगे। 1/8 teaspoon बेकिंग सोडा डाल रही हूँ और 1/4 teaspoon बेकिंग पाउडर, मीन्स 1/4 का भी आधा हमें बेकिंग सोडा डालना है और एकदम जरा सा 1 pinch सॉल्ट डालना है इसमें। और आप चाहिए तो चीनी भी डाल सकते हो, वैसे तो बिस्किट मीठा ही होता है, तो छोटे छोटे ही मोदक केक बनेंगे तो ज़्यादा मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रीम भी हम ऊपर से लगाएंगे, तो अगर आप फिर भी 1 teaspoon शुगर पाउडर या 1 tablespoon शुगर पाउडर डाल सकते हो। तो यहाँ पे मोदक मोल्ड ले लिया है मैंने, तो ये सिलिकॉन वाला मोदक मोल्ड है। इसको अच्छे से मैं ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ ताकि हमारे केक मोदक ईजिली निकल जाए। तो प्लास्टिक का मोल्ड नहीं लेना है हमें, सिलिकॉन का होगा तो ही यूज़ करना है। तो हमारा केक का जो बैटर रेडी है वो इसमें डालते जाएंगे, फिल कर देंगे और अच्छे से इसे टैप कर लेंगे। फिर मैंने एक पैन में नमक डाल के उसे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इस पर सिलिकॉन ट्रे को इसके ऊपर रख देंगे और इसे 10-15 मिनट के लिए बेक होने देंगे। एक बार आप बीच में चेक कर सकते हो, ये बहुत जल्दी, छोटे छोटे हैं तो 5-10 मिनट में भी हो सकते हैं, तो एक बार बीच में चेक कर लेंगे। तो 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ। और ये जो क्रीम था उसको मैं 1 चम्मच दूर डाल के अच्छे से फेंट ले रही हूँ, आई मीन थोड़ा सा विस्क कर लेना है, तो इससे ये स्मूथ क्रीम बन जाएगा। ये देखो कितने फुले फुले मस्त मोदक केक बन के रेडी है। तो इसमें टूथपिक डाल के चेक कर लेंगे, अच्छे से बेक हो गया है और ये देखो कितना ईजिली निकल रहा है, लाइक पॉपकॉर्न बाउंस करता है उस तरह से ये बाउंस कर रहा है, तो कितना बाउंसी केक बना है। तो जो मैंने क्रीम फेटा था वो मैं इसके ऊपर लगा दूंगी और ये देखो हमारे कितने टेस्टी और ब्यूटीफुल मोदक बन के रेडी है। तो जल्दी जल्दी पापा को भोग लगाते हैं, पापा को भी केक खिलाते हैं, केक वाले मोदक, वो भी खुश हो जाएंगे कि कुछ नए तरीके का मोदक खाने को मिला है। तो आप भी जल्दी से यूनिक स्टाइल का ये मोदक केक बना लो और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा या फिर आपका कैसा बना। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और भी मेरे मोदक रेसिपीज़ हैं उनको भी देखना, बहुत ही अच्छे अच्छे मैंने मोदक बनाए हैं, सारे ही टेस्टी है और बहुत ही ईजी है।